नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इमदाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एनएस इलेक्ट्रिक। और आज हम जानेंगे इन्वर्टर की रिपेयरिंग कैसे किया जाता है, कैसे इसका प्रॉब्लम फाइंड आउट किया जाता है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कुछ रिपेयरिंग के रिलेटेड ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल में देते रहते हैं। अगर ये वीडियो आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये हमारे पास आया है, ये माइक्रोटेक का DG900 वाला मॉडल, तो ये ख़राब हो गया है। तो अभी देख सकते हैं, हम इसको पावर कनेक्शन देते हैं तो इसमें देखिए हमने पावर कनेक्शन दे दिया है, लेकिन इसमें कोई लाइट ग्लिंग नहीं कर रहा है। तो इसका अंदर से पूरा मतलब पूरा बॉडी शॉर्ट हो रहा है, ये देखिए आप देख सकते हो। टेस्टर में मैं अंधेरा करके दिखा देता हूँ, जैसा कि मैंने अंधेरा कर दिया है। अब ये देख सकते हैं इसमें पूरा बॉडी में करंट आ रहा है। तो कस्टमर का कहना यही था कि इसका बारिश का मौसम है, जैसे कि बारिश का मौसम है तो बिजली गिरा था, तो आसपास कहीं बिजली गिरा था, उसी बिजली गिरते ही उसी वक़्त ये मतलब बंद पड़ गया था। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। चलिए इसको हम खोल लेते हैं। तो जैसे कि इसको हमने अभी खोल लिया है, तो आइए अब इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या ख़राबी है और किस खराबी की वजह से ये इन्वर्टर हमारा वर्क नहीं कर रहा है और ये इसका बॉडी शॉर्ट हो रहा है। तो हम इसको अभी मल्टीमीटर के द्वारा देखेंगे कि हमारा इसमें लाइन कहाँ तक आ रहा है और कहाँ तक नहीं आ रहा है। तो हमने इसको चालू कर दिया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा बैटरी भी हमने कनेक्शन कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका पूरा बॉडी में करंट आ रहा है, ये देखिए। और इसका ये बैटरी कनेक्शन देखिए, जैसे कि बैटरी कनेक्शन में भी पूरा दोनों में से करंट आ रहा है, तो इसका पूरा बॉडी शॉर्ट हो चुका है। तो हम देखते हैं कि मेन सप्लाई से हमारा कहां तक करंट आ रहा है और कहां से ये बॉडी हो रहा है। जैसे कि हमारा ये हो गया आपका मेन सप्लाई, यहाँ से आ गया। तो अभी इसको हम हाथ नहीं लगा रहे क्योंकि इसकी बॉडी में फुल करंट है। तो ये हो गया हमारा मेन सप्लाई, यहाँ से आते हुए ये रेड लाइन आया, तो यहाँ से ये गया इसी बाईपास की स्विच के अंदर, जिस स्विच को दबा अगर इन्वर्टर कभी ख़राब हो जाता है तो ये बाईपास स्विच अगर हम ऊपर नीचे करते हैं, बाईपास में देते हैं, तो ये डायरेक्टली वर्क करता है विदाउट बैटरी कनेक्शन से, विदाउट इन्वर्टर कनेक्शन से। लेकिन इसका कुछ फंक्शन में कोई वर्क नहीं कर रहा है, ना बाईपास में काम कर रहा है ना इससे ही काम कर रहा है, तो ये पूरा बॉडी हो चुका है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा बाईपास स्विच में ही कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर इन्वर्टर में कोई भी इस सर्किट में ख़राबी हो या ट्रांसफार्मर में ख़राबी हो, तो बाईपास स्विच हम अगर बाईपास में कर देंगे तो ये बाईपास से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा इन्वर्टर की, यहाँ से आते हुए यहाँ से डायरेक्टली सप्लाई कर देगा, ना ही ट्रांसफार्मर में आएगी ना ही सर्किट में आएगी। तो इसका जैसे कि बाईपास स्विच भी नहीं काम कर रहा है और बॉडी हो रहा है, तो पहले की जैसा हमारा ये मेन लाइन हो गया, मेन लाइन डायरेक्ट अंदर आते हुए बाईपास स्विच में जाता है और बाईपास स्विच से आगे ये सर्किट में और ट्रांसफार्मर में जाता है। तो हम पहले देख लेते हैं, जैसा कि ये हमारा मेन लाइन रेड वायर हो गया, ये बाईपास स्विच में गया और बाईपास स्विच के थ्रू ये व्हाइट वायर में आया। इसके अंदर दिखाइए व्हाइट वायर, जैसे कि ये देख रहे हैं व्हाइट वायर है, तो इसकी फ्यूज में फ्यूज के साथ अटक है, इसके तरफ देखिए फ्यूज के साथ अटैच होकर ये यहाँ से फिर से रेड वायर यहाँ तक आया। तो हम देख लेते हैं कि बाईपास स्विच के थ्रू करंट हमारा अंदर आता है कि नहीं। तो जैसा कि हम इसका जो मेन सप्लाई यही है तो इसको निकाल लिया है, तो अभी इसको हम देखेंगे कि यही हमारा जो रेड वायर है, ये बाईपास स्विच होके ये फ्यूज होके इधर से इधर आया, तो यही हमारा मेन सप्लाई है। और ये जो ब्लैक वायर देख रहे हैं, तो इन्वर्टर में ज़्यादातर ब्लैक वायर एक ही रहता है, जो इनपुट से आता है और जो आउटपुट में जाता है, तो दोनों का कनेक्शन सेम है और इन्वर्टर का फुल्ली वर्क जो है वो हमारे फेस के साथ है। तो हम पहले इसको देखेंगे कि इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो जैसा कि मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं, मैंने फेज और न्यूट्रल में कनेक्शन कर दिया है तो वोल्टेज नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर दिखाइए, तो मल्टीमीटर में नहीं आ रहा है, जैसे कि देख सकते हैं आप बिल्कुल वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो हम इसको टेस्टर की मदद से देखेंगे कि इसके फेज में तो करंट है, देखिए फ्रिज में करंट है, और इसकी न्यूट्रल को देखते हैं तो इसकी न्यूट्रल में भी बराबर करंट है, मतलब
ये हमारा जो पहले जा जो कनेक्शन गया वो बाईपास स्विच में गया, वो बाईपास स्विच में से आ रहा है, तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि बाईपास स्विच में ही दिक्कत है, जिसकी वजह से ये फेज न्यूट्रल दोनों एक हो गया है। तो हम बाईपास स्विच को निकाल के देख लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने वायर को निकाल दिया है, और यही हमारा मेन सप्लाई है, और ये हमारा बाईपास से आउट भी होता है। तो जैसे कि हो गया हमारा ये रेड वायर जो है, ये हो गया हमारा मेन सप्लाई, और ये मेन सप्लाई बाईपास स्विच में से रिले है, रिले से होके ये वाइट वायर जाता है फ्यूज़ में, और फ्यूज़ से जाके सर्किट में एंटर होता है हमारा फेज। तो इसी में हमारा दिक्कत है, और हमने इसको एक टेस्ट किया है, क्या इसका प्रॉब्लम जो है हमें दिखाई दे रहा है कि ये बिजली की झटकी की वजह से, मतलब झटकी वजह से ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा बाईपास सर्किट है वो बाईपास सर्किट एक्स्ट्रा ये सब रहता है, इसके अंदर रिले लगा हुआ रहता है, तो ये देख सकते हैं आप, ये रिले बिल्कुल जला हुआ है। तो हमारा प्रॉब्लम यही इसी में ही है कि हमारा ये बाईपास सर्किट जल गया है। तो अभी इसको हम विदाउट बाईपास सर्किट की मदद से इसको चला सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल हर तरह के मॉडल में बाईपास सर्किट नहीं रहता है, किसी किसी मॉडल में रहता है, तो बिना बाईपास के हम चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि बाकी बिना बाईपास वाले मशीन जिस तरह चलता है, ये भी इस तरह से चलेगा। अभी इसको हम बाईपास डायरेक्ट कर देंगे और अभी इसको हम चलाएंगे, तो देखते रहिए वीडियो में, बने रहिए वीडियो में। तो जैसा कि हमारा ये जो बाईपास कनेक्शन है इसको हमने निकाल दिया है, जो अब इसको हम, यही हमारा मेन फेज है, और यहाँ से ये रिले के थ्रू यहाँ से फेज आउट होकर सर्किट और ट्रांसफॉर्मर में जाता है, और ये जो ब्लू वायर दिख रहा है, तो अब जब भी हम बाईपास बटन दबाते हैं तो ये ब्लू वायर की मदद से ये डायरेक्टली इस सॉकेट से दिखाइए, इस सॉकेट से करंट पास हो जाता है, नहीं इसके अंदर घुसता है जब हम बाईपास बटन दबाते हैं। तो इन दोनों का अभी मैं हमारे पास कोई मतलब नहीं है, तो हम इन दोनों को डायरेक्ट करंट दे देते हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं हम एक वायर की मदद से इन दोनों को आपस में कर दिया है कनेक्ट, और अभी इसको हम लगाएंगे, अभी इसको हम लगाएंगे बिजली में। तो जैसे कि हम इसको अभी स्विच दे रहे हैं, तो हमारा ये जो छोटा बैटरी है इसके साथ कनेक्ट है, लेकिन ये चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है टेस्टिंग के लिए। तो अभी इसको हम स्विच देंगे, सॉरी इसका हमने ये केबल खुला छोड़ दिया है, इसको लगाना बाकी है, हम इसको लगा लेते हैं। तो अभी इसको हमने मेन केबल जो है लगा दिया है, तो अभी इसको हम स्विच दे के देखते हैं कि ये हमारा मेन से कनेक्ट है, देख सकते हैं, तो इसको हम स्विच दे रहे हैं अभी। तो जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा लाइट ब्लिंक कर रहा है, ये हमारा कनेक्शन लॉस है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा इन्वर्टर अभी चालू हो गया है, तो देखिए ये हमारा लाइट आ चुका है, और ये हमारा कितनी अच्छी तरह से प्रॉब्लम फाइंड आउट हो चुका है। तो अब देख सकते हैं जिस तरह से ये हमारा कनेक्शन लूज है, इसके हमने इसमें हमने प्लग नहीं लगाया, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। तो जिस तरह से देख सकते हैं इसमें हमारा लाइट आ चुका है, ये चार्जिंग भी हो रहा है। तो देखा दोस्तों किस तरह से हमने इसको प्रॉब्लम फाइंड आउट कर दिया है, ये हमारा बैटरी के साथ कनेक्शन है, और जिस तरह से आप आसानी से इसको देख सकते हैं, ये हमारा चार्जिंग हो रहा है, लाइट भी आ चुका है, और ये जो इन्वर्टर जो मेन बटन है ये भी ओके हो चुका है। तो देखिए, तो देखा दोस्तों किस तरह से इसको हमने फाइंड आउट कर दिया है। तो आप भी अगर कभी इन्वर्टर में कोई ऐसा दिक्कत हो तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से इस इन्वर्टर को हमने फाइंड आउट किया है, इसका प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन कैसे किया है, किस तरह इसको रिपेयर किया है। तो आई होप आपने देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको इन्वर्टर के रिलेटेड कुछ भी अगर जानना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं इसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक करते ज़रूर जाना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, और फेसबुक में भी फॉलो कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।